नमस्कार, मैं ब्रजमोहन मौर्य। कल उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटा वह किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईवीएम को संदिग्ध अवस्था में कचरे की गाड़ियों से लेकर बांस बल्लियों में छुपाकर ले जाते हुए पकड़ा गया है, यह खबर कल से आग की तरफ फैल रही है। जी हां साथियों, लोग सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर प्रशासन से मिलकर ईवीएम में धांधली करने का। जी हाँ साथियों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज का वायरल वीडियो। यह वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जिसमें एक बुजुर्ग किसान कलेक्टर के पैरों में गिरकर न्याय की मांग कर रहा है। 80 साल के इस बुजुर्ग की जमीन को दबंगों ने हड़प लिया है। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, बजट में हुआ ऐलान। देश में पहली बार गोबर के ब्रीफकेस में बजट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधानसभा लेकर पहुंचे, संस्कृत में लिखा गौमय वसते लक्ष्मी। चुनाव नतीजे घोषित होने के अगले दिन गुजरात दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रैली को भी करेंगे संबोधित। यूपी में मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, काउंटिंग के दौरान की वेवकास्टिंग की मांग। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया सामने, ईवीएम धांधली की जताई आशंका, कहा बीजेपी जैसे सातिर कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। बरेली में नगर निगम की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 बक्से मिले, समाजवादियों ने गाड़ी को घेरकर बक्सों को खुलवाया। यह खबर भी खूब चर्चा में है कि मुख्यमंत्री योगी के प्रमुख सचिव ने विभिन्न जिलों के डीएम्स को फोन कर कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारे वहां वहां काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। यह आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव द्वारा क्या कुछ कहा गया, पहले आप उनका यह बयान सुनिए। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही है? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। तो सुना आपने अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि जब ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो रही थी, कोई चोरी नहीं की जा रही थी, तो एक गाड़ी पकड़ी जाने के बाद अन्य 2 गाड़ियां ईवीएम को लेकर क्यों भागी?
वाकई इस बात पर तर्क होना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि मुख्यधारा की मीडिया में इसको कितनी तवज्जो दी गई। अपने आप को देश की जनता के सामने निष्पक्ष और सबसे सटीक जानकारी देने का दावा करने वाले, अपने अपने विभिन्न न्यूज रूम से चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ने वाले गोदी मीडिया और भाड़ मीडिया के एंकरों ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया, इस बात पर भी चर्चा होना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग प्रशासन के साथ साथ अगर ईवीएम में कोई धांधली होती है, जैसा कि अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस करके भंडाफोड़ किया है, तो उसमें गोदी मीडिया का भी एक अहम रोल होगा। क्योंकि जिस प्रकार से विभिन्न एग्जिट पोल द्वारा बीजेपी को बहुमत से सरकार में आने का दावा जो मीडिया कर रही है वो बहुत ही हास्यास्पद है। क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से 200-300 लोगों का सैंपल लेकर किसी भी विधानसभा में किसकी हार होगी, किसकी जीत, और चंद हजार वोटों के सैंपल से किसी प्रदेश के मुखिया की भविष्यवाणी करना, वह तब भी जब लगातार इनके एग्जिट पोल कई बार फेल हुए हैं। निश्चित तौर पर ईवीएम का संदिग्ध हालात में इस तरह से ले जाना, एग्जिट पोल की भविष्यवाणी और योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव द्वारा विभिन्न जिलों के डीएम को काउंटिंग स्लो करने के आरोप की जो टाइमिंग देखी जाए तो पूरा मामला साफ होता है कि यह सब कुछ देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, पूरी जनता अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है। मीडिया के एंकर डिबेट में बैठाकर सवाल कर रहे हैं कि यह अखिलेश यादव की रिजल्ट से पहले की हार की बौखलाहट है या और कुछ, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने चुनाव आयोग और प्रशासन से यह सवाल नहीं किया कि ऐसे सरेआम ईवीएम को बिना राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों की जानकारी दिए बिना कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। अगर कोई हेरा फेरी नहीं है तो क्यों बांस बल्लियों की गाड़ियों में व कचड़े की गाड़ियों में ईवीएम मिल रही हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के बस्ती में स्ट्रांग रूम के बाहर वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं? मामला साफ है, पहले एग्जिट पोल के नाम पर और अब ईवीएम की गाड़ियों के पकड़े जाने पर अखिलेश यादव की हार की बौखलाहट के नाम देकर देश की जनता का ब्रेन वॉश इस मीडिया द्वारा किया जा रहा है ताकि काउंटिंग में बड़े स्तर पर धांधली हो सके। अगर ये गोदी मीडिया ऐसा नहीं चाहती है तो क्यों चुनाव आयोग से सवाल नहीं करती? हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से बयान जारी करके कहा है कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थी। अब चुनाव आयोग अपनी साख बचाने के लिए जनता के सामने कोई ना कोई तर्क तो देगा, लेकिन मामला साफ है जो कि मीडिया ने नहीं पूछा। अधिकारियों की ट्रेनिंग तो चुनाव से पहले ही करा दी जाती है तो फिर अब काहे की ट्रेनिंग? और मान लिया जाए कि ईवीएम ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो फिर कचरे की गाड़ी और बांस बल्लियों के बीच छुपाकर क्यों ले जाई जा रही थी? गाड़ी पकड़े जाने पर अन्य गाड़ियां क्यों भागी, वगैरह वगैरह। पर बेशर्मी देखिए, मीडिया की एक भी सवाल नहीं पूछ पाई। एक और ताज़ा मामला देखिए जो ईवीएम घोटाला होने की आशंका को और प्रबल करता है। आजमगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथों पर वेब कैम लगाने वाली कंपनी की महिला अधिकारी का शव एक होटल के कमरे में लटका मिला है। यह घटना भी कल की है। 12:30 तक वो अपने रूम में मैंने छोड़ी है, अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। मेरे को लगा सुबह फील्ड में गई होगी, मैं लेट सो के उठी हूँ। मैंने फोन किया तो उसने नहीं उठाया। आपको बता दें, आजमगढ़ के 2725 बूथों पर लगे वेबकैम के मुख्य पावर इंचार्ज कमान हापुड़ की रहने वाली सरता चौधरी देख रही थी। वह रोडवेज क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरी थी। सोमवार को सरता चौधरी अपने कमरे में मृत हालत में पाई गईं। अब सोचिए, यह सब कुछ एक ही दिन में होता है, इन सभी घटनाओं को सामान्य कैसे माना जाए, यह सोचने पर मजबूर करती हैं। सोचिए, कानपुर पुलिस का एक अजीब फरमान और सामने आया है। कानपुर SP ने कहा है कि मतगणना वाले दिन गड़बड़ी करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। यह आदेश गड़बड़ी करने वालों के लिए है या ईवीएम की धांधली रोकने वालों के लिए? पुलिस के रवैये से साफ है कि यह जनता को डराने की कोशिश हो रही है। साथियों, आपको बता दें, आज ईवीएम को लेकर बामन मेसराम का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, बामन मेसराम ईवीएम के खिलाफ अक्सर मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं।
इसलिए कल की घटना के बाद बामन मेसराम ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव संकट की घड़ी में मेरा साथ चाहते हैं तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। इसके लिए हमें संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए और क्या कुछ कहा बामन मेसराम ने। मैंने अखिलेश यादव को ईवीएम विरोधी बयान देते हुए सुना, तब मुझे याद आया कि मैंने अखिलेश यादव को सलाह दिया था जब मेरी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। उस समय मुझे वो सलाह याद आई। आज अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं और अकेले चिल्ला रहे हैं। कोई ईवीएम विरोधी लड़ाई लड़ने वाले लोग उनके साथ में नहीं है। मैंने प्रस्ताव दिया था, मगर अखिलेश के मुस्लिम सलाहकारों ने जो समाजवादी के अंदर के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, उन्होंने हमारे गठबंधन को सैबोटेज करने का, तोड़फोड़ करने का काम किया, गठबंधन होने नहीं दिया। अब कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये लोकतंत्र की लड़ाई की, लोकतंत्र के बचाव की लड़ाई है। मैंने कहा था कि इसके लिए बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन स्टडी ही प्लान करनी चाहिए। मगर मेरी बात को यानी गठबंधन को सैबोटेज किया गया और इस वजह से अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है। यदि अखिलेश यादव को इस संकट की घड़ी में मेरा साथ चाहिए तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमें जॉइंट स्टेटमेंट और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना होगा। जो पहले तय हुआ था अब दोबारा हो सकता है। उस समय मैंने यह सलाह दिया था, उस समय उनके सलाहकारों ने इसे सैबोटेज किया, मगर अब यह हो सकता है। मगर मैं ये बात उनके मर्जी पर छोड़ देता हूं। वो इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये बात मैं उनके मर्जी पर छोड़ देता हूं। मैंने पहले ही ईवीएम के विरोध में 8 तारीख को देशव्यापी भारतव्यापी बंद घोषित कर दिया है, यानी हमारी लड़ाई जारी है, हमारी जंग जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी लड़ाई जारी है, और ये लड़ाई जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक ये ईवीएम का घोटाला समाप्त नहीं होता, तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। मैं पहले से जानता था कि प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं,
कि चुनाव के बाद ये लोग ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे। अमित शाह ने यह बयान दिया, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टरों ने बयान दिया, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, डिप्टी सीएम ने बयान दिया, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ने बयान दिया। तभी मैं समझ गया था कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम का घोटाला होने वाला है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ईवीएम के बारे में, मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं है। और जब मैंने एग्जिट पोल के रिजल्ट को देखा, टीवी पर देखा, एग्जिट पोल के रिजल्ट को टीवी पर देखा, देखने के बाद मैं 200% कंफर्म हो गया कि ईवीएम में घोटाला होने वाला है। मेरी ये राय क्यों बनी? क्योंकि घोटाला होने के पहले जनता की, बीजेपी जीत रही है, यह राय बनाना जरूरी है। और यह राय बनाने के लिए लगभग सभी मीडिया के लोगों ने बीजेपी को जीतते हुए दिखाया। किसी ने कम सीटें और किसी ने ज्यादा सीटें, मगर किसी ने भी बीजेपी हार रही है यह नहीं दिखाया। इवन एनडीटीवी ने भी नहीं दिखाया, जो एनडीटीवी के लोग ये कहते हैं कि वो निष्पक्ष है, मगर मुझे ये जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मीडिया को मैनेजमेंट करने के लिए बीजेपी ने 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और इन लोगों की जो खबरें, स्टेटमेंट छपकर आते थे, वो सारे के सारे पेड न्यूज थे। मैं ये उसी समय समझ रहा था। तो देश में मीडिया के लोग, नेशनल मीडिया के लोग संविधान और लोकतंत्र के विरोध में देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इन लोगों का भी बंदोबस्त करना होगा और आने वाले समय में इन लोगों का बंदोबस्त करने के लिए भी मैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान करता हूं। ये करना होगा किसी न किसी को। मैं जानता हूं इसमें अखिलेश यादव सामने आने वाले नहीं है, मगर चूंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मामला है और हम जंगे मैदान में है, तो ये लड़ाई हम लोग पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ईवीएम का घोटाला बंद नहीं होता। और पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग नहीं होती, मैचिंग करने का जो जजमेंट दिया गया चीफ जस्टिस ने, जिस चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया, रंजन गोगोई ने, उसके खिलाफ एक औरत के चरित्र हनन का मामला प्लानिंग बनाकर खड़ा किया गया और वो निर्णय षड्यंत्र के तहत दिया गया था। ये मैं जानता हूं, सारे सबूत है। इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि मैचिंग से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। केवल रिकाउंटिंग करने के आदेश से और उसके अमल से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग भारत सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है। चुनाव आयोग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए काम नहीं कर रहा है। मैं इस मौके पर
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मांग करता हूं कि हर चुनाव में 3 जजेस का पैनल चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन करने के लिए बनाया जाए। और यह केस भी मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए भी भारत बंद करने का ऐलान हम लोग करेंगे, मगर पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाऊंगा। और अगर ये बात संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बातों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करता है तो फिर जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए मैं जाऊंगा। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसलिए फतेह हासिल होने तक, विजय हासिल होने तक ये जंग जारी रहेगी। इस पूरी खबर के विभिन्न पहलुओं को देखने के बाद यह तो साफ है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के तमाम आरोप बेबुनियाद तो नहीं है, बल्कि उन्हें जो भी आरोप लगाए हैं वो तथ्यों और प्रमाणों के साथ लगाए हैं, इसलिए मामला बहुत ही गंभीर है। आगे क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से देश में स्वयं लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा हो तो हम जैसे पत्रकार द्वारा सरकार से क्या मांग की जा सकती है, और अगर सरकार से मांग की भी जाए तो अपना समय बर्बाद करना समझना होगा। इसके बदले में मैं तो कहूँगा जैसे ग्रामीण इलाकों में लोकल बसों में लिखा होता है सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, और कल से जिस प्रकार से यूपी में युवा ईवीएम की रखवाली के लिए सड़कों पर आगे आए हैं, ऐसी ही वोटिंग गिनती तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और इस परिणाम के बाद, परिणाम चाहे कुछ भी हो, विभिन्न राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए और ईवीएम का सामूहिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग का हमेशा यही तर्क रहता है कि ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग के इस तर्क को विभिन्न पार्टियों द्वारा यह तर्क देकर काउंटर किया जाना चाहिए कि बात धांधली की नहीं, बस हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र रूपी शादी में जब दूल्हा दुल्हन की पसंद नापसंद का ही ख्याल नहीं रखा जाए तो ये शादी से क्या फायदा। दूल्हा अगर कहता है कि मैं तो बारात लेकर घोड़ी से आऊंगा तो चुनाव आयोग रूपी लड़की पक्ष कार से आने का दबाव क्यों बना रहा है, मतलब ईवीएम से वोटिंग क्यों करा रहा है। आप सभी समझदार हैं, मतलब साफ है कि ईवीएम से वोटिंग चुनाव आयोग क्यों चाहता है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी हो, और जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक ईवीएम पर सतर्कता से नजर बनाए रखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।